अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ चॉकलेट स्विस रोल की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये केक बनकर तैयार होता है और देखें, देखने में भी ये कितना ज़बरदस्त लगता है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें हमने 4 अदद अंडे ऐड किए हैं। अंडे हमने यहाँ पे चेक करके रूम टेम्परेचर के यूज़ किए हैं। अब अंडों को हम यहाँ पे अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए अंडे हमारे यहाँ पे बीट होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं हमें अंडों को बीट करते हुए। अब यहाँ पर हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडों को हम इतनी देर बीट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफी से ना हो जाएं। देखिए अंडे हमारे कितने अच्छे से बीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने फ्लफी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और बीटर से मिक्स करते जाएंगे। देखें ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहां पर हम बीटर को एक साइड पे रख देंगे। अब यहां पर हम इसमें ऐड कर देंगे 3/4 कप मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर और इस मिक्सचर को हम 2 से 3 बार अच्छे से छान कर इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे विस्क की मदद से। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, दोबारा से ऐड करेंगे, इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर जितना भी बचा है ये सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे और देखें इस तरह से इसको हाथ से इस तरह छान लेंगे ताकि जो भी इसमें लम्स हैं वो सब इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा जो बैटर है केक का वो बैठ ना जाए। देखिए अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर जो हमारा बैटर है ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमने इस तरह से एक बेकिंग ट्रे ली है और इसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इस पर बटर पेपर लगा दिया है। अब यहाँ पर जो हमने बैटर रेडी किया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बैटर ऐड करने के बाद इसको हम लेवल कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको लेवल करना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको लेवल कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको बेक करेंगे। तो 180 पे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लिया था और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए 180 पे बेक कर लेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखें केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है बेक अच्छे से केक बेक हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। देखिए मोल्ड से हमने इसको बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखेंगे और इसको हम बिल्कुल आराम से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब यहाँ पर हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर इस तरह से बटर पेपर रखेंगे और बिल्कुल आराम आराम से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर जो हमारा केक है ये हल्का हल्का गर्म ही है, हमें हल्के हल्का जब ये गर्म हो तभी इस प्रोसेस को करना है। देखिए इस तरह से एक इसका रोल बना लेना है और किसी भी किचन टॉवल से हम इसको कवर कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम अपना सेकंड स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को हम अच्छे से बीट कर लेंगे।
देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है, देखिए कितनी अच्छे से ये विप हुई है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बीटर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है, कोको पाउडर को हमने अच्छे से छान कर फिर यूज किया है। साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। देखें बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और इसमें देखें कोई भी लम्स नहीं है। अब ये हम इस क्रीम में ऐड कर देंगे। क्रीम में ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है और देखिए हमारी क्रीम जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब बीटर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक पतीली का, किसी भी पतीली का आप इस तरह से जो फ्लैट हो वो ढक्कन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा केक है हम इसको खोलेंगे। बटर पेपर को हम इस तरह से बिल्कुल आराम से उतार लेंगे। बिल्कुल आराम से हम इसको ओपन करेंगे। दोनों बटर पेपर्स को हम उतार लेंगे और देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी है ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल इवनली फैला लेंगे। इस तरह से हम पूरे पे लगा लेंगे। देखिए क्रीम को हमने बिल्कुल इस पर अच्छे से फैला लिया है। अब यहाँ पर हम क्रीम को एक साइड पे रख देंगे और इसको अब हम इस साइड से बिल्कुल आराम आराम से रोल करेंगे और इसको उठाकर सेंटर में रख लेंगे इस तरह से। अब जो हमारे पास क्रीम है जिसको हमने व्हिप किया है ये हम इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से लगा लेंगे। पूरा हम इसको क्रीम से अच्छे से कवर करेंगे, इसके साइड्स को भी बिल्कुल आराम आराम से हम इसको कवर करेंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपल हम जिस ब्रश से ऑयल लगाते हैं इससे हम इसको डिजाइन दे देंगे। अब यहाँ पर हम इसको बिल्कुल आराम से उठाते हुए अपनी जो सर्विंग ट्रे है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको ट्रे में रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट को क्रश किया है, अब ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम चेरी ऐड कर देंगे। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा चॉकलेट स्विस रोल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।